ऑफिसर एंड टुडेज टॉपिक इज कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब कौन कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से लेबर स्टार्ट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। सो कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर में फर्स्ट होता है आपका यूट्राइन डिस्टेंशन, ठीक है, यूट्राइन डिस्टेंशन। अब यूट्राइन डिस्टेंशन क्या होता है कि जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस पाइरीफॉर्म शेप का होता है यूट्रस, तो इसमें जैसे ही लेबर का पीरियड पास आता है तो इसमें डिस्टेंशन होने लग जाती है, मतलब इसका जो एरिया है वो इंक्रीज होने लग जाता है ना। तो इसमें डिस्टेंशन किस वजह से होती है, एक तो क्या होता है कि यूट्राइन स्ट्रेच इंक्रीज गैप जंक्शन प्रोटीन रिसेप्टर ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, यूट्राइन स्ट्रेच, जब यूट्रस स्ट्रेच होता है जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होता है ना, नॉर्मली यूट्रस का साइज ये होता है 7.5 सेंटीमीटर, और जैसे ही प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो यूट्रस का साइज बढ़ करके 37 सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि यूट्रस का साइज कितना इंक्रीज होता है एट द टर्म ऑफ लेबर तक, वो कितना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो 7.5 से 37 सेंटीमीटर तक का जो इसका साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। सो अभी क्या होता है कि यूट्राइन डिस्टेंशन होता है सबसे पहले कि लेबर स्टार्ट होता है तब, उसमें होता है कि यूट्राइन स्ट्रेच होता है जिसकी वजह से जो गैप जंक्शन होता है ना, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटॉक्सिन के, जो रिसेप्टर्स होते हैं यूट्राइन वॉल पे, वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जितने ज़्यादा रिसेप्टर इंक्रीज होंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पर जो है कि गैप बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा उसका साइज बढ़ेगा, यूट्रस स्ट्रेच होएगा, तो रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं और गैप जंक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो फर्स्ट कॉज इज व्हाट, फर्स्ट इज यूट्राइन डिस्टेंशन, यूट्रस का डिस्टेंशन हो जाना, साइज में इंक्रीज हो जाना, साथ ही जो उसकी जंक्शन जो होता है वहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं उसका भी अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है, एंड नंबर ऑफ रिसेप्टर विल आल्सो इंक्रीज। सो नाउ नेक्स्ट इज फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो फीटो प्लेसेंटल से समझ रहे हैं फीटस और प्लेसेंटा, दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन होता है एट द टाइम ऑफ लेबर। तो लेबर के टाइम पे फीटस और प्लेसेंटा दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो फीटस का क्या कंट्रीब्यूशन होता है कि जो फीटस होता है उसका जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फीटस का जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है हमारा उसको वो एक्टिवेट होता है, देन हमारा ये आपका एड्रेनल ग्लैंड जो होता है फीटस का वो एक्टिवेट होता है, देन लीवर। तो ये सारी चीज़ें जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है एंड लीवर है एंड एड्रेनल ग्लैंड है, ये सब ना कुछ कुछ रिलीज करते हैं जिसकी वजह से आगे लेबर कंटिन्यू बढ़ता है। तो क्या रिलीज करते हैं उसको देखते हैं। सो फीटस का हाइपोथैलेमस जैसे ही एक्टिवेट होता है तो वो रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। जैसे ही कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है वैसे ही जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है तो वो आपका रिलीज कर देता है ACTH, ठीक है। जैसे ही ACTH रिलीज होता है फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है ACTH को रिलीज करता है। तो ACTH जाता है कहाँ पर, ACTH जाता है आपके एड्रेनल ग्लैंड पे। तो फीटस के जब एड्रेनल ग्लैंड पे वो पहुंचता है तो वहां पर जाने के बाद वो रिलीज करता है कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल रिलीज करता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो जितना ज्यादा वो अमाउंट में कॉर्टिसोल को रिलीज करता है तो फिर कॉर्टिसोल क्या करता है। नाउ अब आते हैं प्लेसेंटा के टाइम पे। यहां तक समझ आ गया कि जो फीटस का हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीज करता है फर्स्टली आपका कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। फीटस का जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज कर रहा है कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को। ब्लैक मार्कर चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसे, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है फर्स्ट, देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन जाके। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सेकेंड कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ACTH। देन एड्रेनल ग्लैंड को जो है ACTH जाके स्टिमुलेट करता है कि भाई हार्मोन रिलीज करो, तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, वो रिलीज करता है कॉर्टिसोल। नाउ कॉर्टिसोल जो है, ठीक है, कॉर्टिसोल जाता है आपके प्लेसेंटा में। सो नाउ ये आपका गया प्लेसेंटा के अंदर जाता है, प्लेसेंटा में जाता है और प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए। जैसे ही प्लेसेंटा के वहां पे जाता है कॉर्टिसोल का सिक्रीशन, जब ये प्लेसेंटा की तरफ जाता है तो ये क्या कर देता है कि प्लेसेंटा से, एक तो कहता है कि कॉर्टिसोल गया प्लेसेंटा से, कहता है कि ऑक्सीटोक्सिन को रिलीज करो बहुत ज्यादा, प्रोस्टाग्लैंडिंस को रिलीज करो, ईस्ट्रोजन को रिलीज करो और इंटरल्यूकिन फैक्टर्स जो होते हैं 1, 6 और 8 इसको रिलीज करो बहुत ज़्यादा। तो प्लेसेंटा क्या करता है, कॉर्टिसोल के रिलीज होने के बाद इन सब फैक्टर्स को रिलीज करता है, दैट इज ऑक्सीटोक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिंस,
और ईस्ट्रोजन एंड इंट्रालिपिन, इनको हाई अमाउंट में रिलीज करता है। देखिए इंक्रीज का साइन मैंने लगाया हुआ है, बट एक चीज़ है वो क्या है कि प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, बाकी सब चीज़ों का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, बट अभी यहाँ तक क्या है कि फीटस और प्लेसेंटा का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है लेबर में, वो हमने देखा। फीटल का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है, प्लेसेंटा का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है। फीटस पहले रिलीज करता है, वो जाकर के उधर स्टिमुलेट करता है, उसके बाद प्लेसेंटा इन सब चीज़ों को रिलीज करता है, और प्लेसेंटा फिर से यही प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। बार बार हॉर्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर्स बढ़ते रहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स बढ़ते हैं, ईस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, इंट्रालुकिन्स इंक्रीज होते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन मेनली, तो ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ऑक्सीटॉक्सिन क्या करेगा, ऑक्सीटॉक्सिन आपके तो यूट्रस का जो जो सर्विक्स है उसको डायलेट करने में, सो जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, अभी देखा था। सो प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस जो इंक्रीज होता है वो कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर इसके मेजर साइट्स हैं जहाँ पे ये सिंथेसिस होता है, और क्यों एक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, ये क्यों ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इसको हम अभी देखेंगे। सो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो कि लेबर के टाइम पे भी हेल्प करता है, साथ ही यूट्रस को डिस्टेंट होने में भी हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ कहाँ पर सिंथेसिस होता है, तो मेजर साइट जो है इसके सिंथेसिस होने के, आपका एम्नियन, कोरियन, डेसिडुअल सेल्स और मायोमेट्रियम, ठीक है। सो एम्नियन, कोरियन, डेसिडुअल सेल्स और मायोमेट्रियम की जगह पर जाके सिंथेसिस होता है। इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का जो वो इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, दिस इज ट्रिगर्ड बाय, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है तो वो ट्रिगर करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ता है, देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज हो रहे हैं, देन मैकेनिकल स्ट्रेचनिंग इन लेट प्रेगनेंसी, ठीक है, जो स्ट्रेचनिंग इफेक्ट आ रहा था यूट्रस पे उसकी वजह से, एंड साइटोकाइंस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं उस टाइम पे, जो हमने देखा था इंटरल्यूकिन फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ज़्यादा रिलीज होने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है सिंथेसिस भी ज़्यादा होता है और इसके साथ ही रिलीज भी ज़्यादा होता है, जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर प्रोजेस्टेरोन। सो प्रोजेस्टेरोन क्या है कि मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरोन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर। सो प्रोजेस्टेरोन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू ईस्ट्रोजन। सो इट इज़ एन ऑल्टरेशन इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के रेशियो में, जस्ट एक ऑल्टरनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन था, ठीक है, जो प्रोडक्शन था DHEAS का और कॉर्टिसोल का, वो इंक्रीज हो रहा था। अब DHEAS क्या है, डी हाइड्रो एपी एंडिस्ट्रोन सल्फेट। सो ये था डी हाइड्रो एपी एंडिस्ट्रोन सल्फेट, होता है कि जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ DHEAS एंड प्लस में कॉर्टिसोल, दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। DHEAS क्या है, डीहाइड्रोएपीएंडिस्ट्रोन सल्फेट, इसका प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है कन्वर्जन को, किसके कन्वर्जन को, प्रोग्रेनिलोन नाम का एक सब्सटेंस है जिसके कन्वर्जन, जो कि प्रोजेस्टेरोन में आगे जाके कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो प्रोग्रेनिलोन है ये कन्वर्ट होता है जाकर के प्रोजेस्टेरोन में, तो इसको ये कन्वर्जन जो है ना, इसी कन्वर्जन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो प्रोग्रेनिलोन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, और कन्वर्ट नहीं होने की वजह से वो प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस इंक्रीज नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस यही रीजन था कि जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो रहा था। अब DHEAS इंक्रीज कहाँ से हो रहा था, इससे पहले मैंने बताया था कि जो DHEAS है वो आपका फीटस का जो लीवर है वो रिलीज कर रहा था, है ना, जो फीटल फीटोप्लेसेंटल कॉज था, कॉजेस ऑफ लेबर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें फीटोप्लेसेंटल कॉज था इससे पहले, तो जो फीटोप्लेसेंटल कॉज था, जो फीटस का लीवर था वो रिलीज कर रहा था DHEAS, है ना, ये रिलीज कर रहा था फीटस का लीवर, ठीक है, जो कि प्लेसेंटा में जा करके फिर ईस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करता है, इसके साथ ही प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो ये यहाँ से हो गया। नेक्स्ट इज योर ईस्ट्रोजन का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ लेबर, एंड ऑक्सीटॉक्सिन एंड मायोमेट्रियल ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर्स।
ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन एंड मायोमेट्रियल ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर्स, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया एंड क्या हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया। अब ऑक्सीटॉक्सिन बचा। सो ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है कि जो ऑक्सीटॉक्सिन के रिसेप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, जो फंडस पार्ट होता है आपका वहाँ पर, ठीक है, एज कम्पेयर टू लोअर सेगमेंट ऑफ द सर्विक्स। सो जो फंडस होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसेप्टर्स एट द टाइम ऑफ लेबर क्या होते हैं कि ज़्यादा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू लोअर सेगमेंट। सो दिस इज योर लोअर सेगमेंट एंड दिस इज फंडस। सो फंडस में क्या होगा कि इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीटॉक्सिन के रिसेप्टर्स, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन के जो रिसेप्टर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं एट फंडस पे एज कम्पेयर टू लोअर सेगमेंट ऑफ द आपका यूट्रस एंड सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स में भी होता है ऑक्सीटॉक्सिन, बट सबसे ज्यादा अगर हाई देखिए इंक्रीज अमाउंट कहाँ पे होता है, वो होता है अपर में यानी कि फंडस पे। एंड जो रिसेप्टर्स का नंबर है, अगर हम एक ग्राफ के थ्रू दिखेंगे तो जो ऑक्सीटॉक्सिन के रिसेप्टर्स है एट द टर्म ऑफ लेबर वो पीक पर होते हैं, मैक्सिमम ड्यूरिंग द लेबर, ठीक है। लाइक ऑक्सीटॉक्सिन अब तक ऐसे इंक्रीज हो रहा था, जैसे ही लेबर का टाइम आएगा तो वो पीक पर होता है, लाइक ठीक है। सो अगर ये लेबर के टाइम पर अगर हम देखें तो जो ऑक्सीटॉक्सिन है वो पीक वैल्यू पे होता है अपने। सो एक तो हो गया आपका कि फंडस के ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, नेक्स्ट है कि पीक पे होता है आपका, सेकेंड है कि पीक पे हो जाता है जब जो ऑक्सीटॉक्सिन है उसका रिलीज बिल्कुल पीक हो जाता है एट द टाइम ऑफ लेबर। नेक्स्ट है कि जो रिसेप्टर्स है, जो ऑक्सीटॉक्सिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती, सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर इंक्रीज एट द टाइम ऑफ लेबर। नेक्स्ट है कि जो ऑक्सीटॉक्सिन होता है वो क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस है और रिलीज है वो ज्यादा हो, ठीक है। जो ऑक्सीटॉक्सिन होता है स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड रिलीज किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन का, ठीक है, कि उसका रिलीज जो है बहुत ज्यादा हो और ज्यादा अमाउंट में वो सिक्रीट हो, ज्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज हो आपका कहाँ से, एमनियोन से और कोरियोन से। सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीटॉक्सिन। सो नेक्स्ट एक चीज है इसमें, सो ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर में बढ़ा के एक तो जो फंडस होता है वहाँ पर जो ऑक्सीटॉक्सिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है एज कम्पेयर टू लोअर सेगमेंट एंड सर्विक्स। नेक्स्ट इज कि वो जब लेबर का टाइम होता है तो उस टाइम पे जो ऑक्सीटॉक्सिन होता है वो एकदम अपने हाई लेवल पे होता है, एकदम पीक पे होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जो ऑक्सीटॉक्सिन के रिसेप्टर्स है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं और ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन को सबसे ज़्यादा रिलीज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाता है और रिलीज भी इंक्रीज होता है, पर कहाँ से, कोरियोन से और एमनियोन से। नेक्स्ट एक चीज होती है इसमें फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, एक चीज का नर्व रिफ्लेक्स होता है, नर्व रिफ्लेक्स होता है जैसे वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं या एमनियोटमी करते हैं, ठीक है। वजाइनल एग्जामिनेशन या एमनियोटमी के टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है जो आपका मैटरनल प्लाज्मा ऑक्सीटॉक्सिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है ना, ऑक्सीटॉक्सिन लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है कब, जब हम उसकी वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं या फिर एमनियोटमी करते हैं तो उस टाइम पे। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ नर्व रिफ्लेक्स जो कि उस टाइम पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीटॉक्सिन लेवल रिलीज होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीटॉक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हो गया। नाउ नेक्स्ट लेट्स सम ऑफ दिस। सो सम अप करने के लिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले क्या हो रहा था, एक्टिवेशन हो रहा था ऑफ फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस का ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा था, देन एड्रेनल भी स्टिमुलेट होकर के रिलीज कर रहा था ACTH। सो इस तरीके से वो स्टिमुलेट हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि आपका
कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा था, पहले अगर अपने पहले वाला डायग्राम नोट किया होगा तो उसमें कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा था, और कॉर्टिसोल कहाँ पे जा रहा था, वो जा रहा था प्लेसेंटा में, है ना, वो प्लेसेंटा में जा रहा था। तो ना प्लेसेंटा में जाने के बाद क्या क्या चीजें हो रही थी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था कि डिक्रीज हो रहा था। सो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो रहा था, है ना। इसके साथ ही जो ईस्ट्रोजन था, ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा था, इंक्रीज या डिक्रीज, तो ईस्ट्रोजन का लेवल जो है इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा था। अब जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही इंक्रीज होगा तो क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो आपका मैटरनल पिट्यूटरी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो स्टिमुलेट हो जाएगा, मैटरनल पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा और वो रिलीज करेगा ऑक्सीटॉक्सिन। देन जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो रहा था और ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज, इसका लेवल डिक्रीज, तो वहां पे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या हो रहा था, ऑल्टर्ड बैलेंस हो रहा था दोनों के बीच में, बिकॉज ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल्टर्ड प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, है ना, ऑल्टर्ड बैलेंस हो गया दोनों के बीच में। सो दिस ऑल्टर्ड बैलेंस एंड ऑक्सीटॉक्सिन जो मिल करके, ये दोनों मिल करके एक हार्मोन जो हमारा प्लेसेंटा है, एमनियन है और कोरियोन है एंड डेसिड्यूल को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, ये और ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, प्लेसेंटा, कोरियोन, एमनियन एंड डेसिडुआ को ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। सो डेसिडुआ क्या होता है, डेसिडुआ इज नॉट एनीथिंग, इट इज बस एंडोमेट्रियम, जो कि जिस टाइम जब प्रेगनेंसी का टाइम पे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीटोक्सिन एंड ऑल्टर्ड बैलेंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन मिल करके कोरियोन, एमनियन, डेसिडुआ एंड प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करते हैं, क्या रिलीज करने के लिए, एक तो ये रिलीज करेंगे ऑक्सीटोक्सिन ज्यादा, देन इसके साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होगा, देन आपका जो प्रोजेस्टेरोन है वो तो डिक्रीज होगा, है ना। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो होते हैं एंड नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो भी रिलीज होगा, इसकी जो ऑल्टर्ड बैलेंस होगा इसकी वजह से, एक तो सीएपी रिलीज होगा एंड नाइट्रस ऑक्साइड, तो सीएपी इंक्रीज हो जाएगा। सीएपी क्या है, सीएपी इज कॉन्ट्रेक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन, जो कि प्रोटीन पहले हमने डिस्कस किया, कुछ प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जो कि यूट्रस को डिस्टेंट होने में हेल्प करते हैं, सो ये सीएपी इंक्रीज हो जाएगा एंड नाइट्रस ऑक्साइड विल ऑल्सो रिलीज बाय ऑल्टर्ड बैलेंस ऑफ दी आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो नाउ दिस ऑक्सीटॉक्सिन और ये सारे जो ऑक्सीटॉक्सिन प्रोजेस्टेरोन जो यहाँ पर दोबारा से ये रिलीज हो रहे हैं, ये सब मिल करके एक चीज करेंगे, वो क्या करेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। एक्टिवेशन ऑफ मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, यानी कि मायोमेट्रियम में उसे कॉन्ट्रैक्ट होने के बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देंगे, जिससे कि जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा और लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, में एक ब्रीफ देखा कि एक्टिवेशन सबसे पहले क्या रहा था, क्या क्या फैक्टर्स थे, एक तो यूट्राइन डिस्टेंशन था, देन आपका एक्टिवेशन ऑफ फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस था, फीटो प्लेसेंटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो, सो फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन ये है पूरा, सबसे पहले क्या होता है कि एक्टिवेट हो जाता है फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमिक एक्सेस एंड एड्रेनल एक्सेस, उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या रिलीज करता है, कॉर्टिसोल को रिलीज करता है, देन कॉर्टिसोल रिलीज होकर के कहाँ जाता है, वो जाता है प्लेसेंटा में। नाउ प्लेसेंटा में जाने के बाद प्लेसेंटा जो रिलीज करता है वो क्या करता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है,
ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम क्यों होता है? एक हार्मोन था हमारा जो कि था आपका DHEAS, जो थोड़ी देर पहले बताया, उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया. नाउ ईस्ट्रोजन का लेवल जो है इंक्रीज होता है. सो दिस ईस्ट्रोजन का लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, ये क्या करता है कि मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर के एक्टिवेट करता है. जैसे ही मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीटोक्सिन को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहां पर जरूरत है ऑक्सीटोक्सिन की. सो ऑक्सीटोक्सिन को रिलीज करना स्टार्ट करता है. ऑक्सीटोक्सिन किसमें हेल्प करता है, एक्टिवेशन करने में मायोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का. नेक्स्ट जो यहाँ पर ऑल्टर हो रहा था प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का रेशो, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कम है ईस्ट्रोजन ज्यादा है. सो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के रेशो में जो डिफरेंस आ रहा था, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कोरियोन है, एम्नियोन है, प्लेसेंटा है और डेसिडुआ है, ये सब इसको स्टिमुलेट करते हैं. साथ ही ऑक्सीटोक्सिन भी जाकर के कोरियोन को, एम्नियोन को, प्लेसेंटा को और डेसिडुआ को स्टिमुलेट करता है. इसकी स्टिमुलेशन की वजह से ये दोबारा यहाँ से ऑक्सीटोक्सिन रिलीज होता है प्लेसेंटा से, देन यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, CAP इंक्रीज हो जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, सो दिस ऑल विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द मायोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम. सो मायोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सारा प्रोसेस हो रहा है, विच वी हैव